नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके क्वालिटी मंत्रा में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंदुलेखा हेयर ऑयल के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम इसका रिव्यू तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि ये जो हेयर ऑयल है वो हमारी कंट्री में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और मैंने भी इस हेयर ऑयल को आज ही परचेज़ किया है। सो इसका जो पूरा रिव्यू है वो आपको 15 दिन बाद नज़र आएगा, मीन्स 15 दिन इसे यूज़ करने के बाद इसका पूरा रिव्यू मैं पोस्ट करूँगा। सो उस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए और इस वीडियो को भी आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारे चैनल के जो अपडेट्स हैं वो रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मैं आया था केमिस्ट की दुकान पे, जो कि यहाँ खरड़ में ही है, इस इंदुलेखा बर्मुडा ऑयल को परचेज़ करने के लिए। एक्चुअली ये जो हेयर ऑयल होता है वो होता है आपकी बालों में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, बालों की रीग्रोथ करने के लिए, और मेरे भी जो बाल हैं वो काफ़ी डल हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस हेयर ऑयल को परचेज़ किया जाए। तो सबसे पहले सुनते हैं केमिस्ट के व्यूज़ के, उनके क्या व्यूज़ हैं इस हेयर ऑयल को लेकर। इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके आ रहे हैं। ये बालों को ग्रोथ करता है, ब्लैक शाइन कर रहा है, और जो यहाँ से जो गंजापन होता है उसके लिए बहुत ही परफेक्ट ये चल रहा है मार्केट में, अच्छा खासा इसका रिजल्ट आ रहा है। मतलब मेरे काम इसके ये है कि बालों की रीग्रोथ कर रहा है, बालों को रीग्रोथ कर रहा है, ब्लैक शाइन भी कर रहा है, और यहाँ से जो गंजापन हो जाता है उसको भी ये भर रहा है। जिनका शाइन, जिनका ब्लैकिश इफेक्ट होता है जो, वो भी इसे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका बाल ब्लैक नहीं कर रहा है, बाल ब्लैक नहीं कर रहा है। अच्छी डिमांड चल रही है इसकी मार्केट, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि यूज़ करने का तरीका क्या होता है। ये सुबह शाम इसको यूज़ करना होता है, इंदुलेखा हेयर ऑयल जो कि आता है इस गोल्डन और ब्लैक कलर की इस पैकिंग में। सो यहाँ बॉक्स के ऊपर देख सकते हो इसका प्राइस लिस्ट किया गया है, जो कि है 234 रुपीज़, और इसकी क्वांटिटी है 50 ml, यानी कि सबसे छोटी वाली पैकिंग है और इसका प्राइस है 234 रुपीज़। चलिए हम खोलते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं हमारे इस हेयर ऑयल को। तो सबसे पहले मिलेगा आपको ये हेयर ऑयल और इसके ऊपर ही आपको ये कॉम्ब अटैच किया हुआ मिलेगा। सो ये इसका एक एडिशनल फीचर है, और इसके अलावा आपको मिलेगा कुछ यहाँ पेपर वर्क। एक्चुअली इसमें क्या लिस्ट किया गया होता है कि इस हेयर ऑयल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, और किस तरह इस हेयर ऑयल को अप्लाई करना है, और आपके हेयर लॉस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है, तो इसको भी आप रीड कर सकते हो। ये एक्चुअली इंग्लिश में होता है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे इस हेयर ऑयल की तरफ। तो अगर तो आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी इसकी ये एक सील, तो आप इस सील को जो है वह रिमूव कर सकते हो। एक्चुअली इसे रिमूव करना काफ़ी हार्ड होता है, तो इसे रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ आप देखोगे ये ऑयल, एक्चुअली ऑयल जो है वो कलरलेस होता है, मीन्स कोई इसका कलर पर्टिकुलर कलर नहीं होता, लेकिन जब ये फ्रीज होता है तो ये वाइट कलर में होता है, और ये जो कलर है काफ़ी चिपचिनापन इसमें देखने को मिलता है, मीन्स काफ़ी चिपकनाहट इसमें होती है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इसका इफेक्ट किस तरह का रहता है। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस हेयर ऑयल की स्पेशलिटी क्या है, मीन्स क्यों ये हेयर ऑयल ज़्यादा पॉपुलर है। तो देखिए इसका मेन रीज़न ये है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उसमें ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, मीन्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, मीन्स बालों की ग्रोथ के लिए, बालों में टेक्सचर ऐड करने के लिए, बालों को काला बनाने के लिए, तो उन चीज़ों में ये इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और फिर बात आती है कि किस तरह इसे यूज़ करना होता है। तो इसको आप नहाने के बाद यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है कि अगर आप इसको एक दिन गैप डालकर यूज़ करोगे फिर इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। सो एक दिन गैप डाल के आप इसको यूज़ करना होता है, और नहाने के बाद डायरेक्टली आप इसे यूज़ कर सकते हो, मीन्स यहाँ जो कॉम्ब होता है यहाँ ऊपर होल्स होते हैं, सो डायरेक्टली आप इसको ऐसे बालों पर अप्लाई कर सकते हो, और इसे मेंस भी यूज़ कर सकते हैं और वुमेंस भी इक्वली यूज़ कर सकती है। दोस्तों बेनिफिट्स की बात करूँ कि इस हेयर ऑयल के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो देखिए अगर आपके हेयर लॉस हो रहा हो, मीन्स किसी जगह पे अगर आपका हेयर कम हो रहे हो, तो इसे रेगुलरली यूज़ करने के बाद आपका जो हेयर लॉस होता है वो कम हो जाता है, मीन्स आपका हेयर लॉस होना बंद हो जाता है, और वहाँ पे आपकी रीग्रोथ हो जाती है, मीन्स नए बाल आपके आ जाते हैं।
तो ये इसका मेन बेनिफिट होता है। और फिर इसका बेनिफिट ये होता है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो आपके जो बाल हैं वो हेल्दी भी हो जाते हैं, मीन्स आपके बालों को जो हेल्दी भी बनाता है। सो दोस्तों, अगर इस हेयर ऑयल की मैं एक्सपायरी डेट की बात करूं तो वो होती है 2 साल, इनका 2 साल तक आपका ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर नहीं होने वाला। सो दोस्तों, अब बारी आती है इफेक्ट की, कि इस हेयर ऑयल का इफेक्ट किस तरह का होता है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इसको आज ही परचेज़ किया है और एक ही बार इसको लगा कर देखा है, और एक बार में आपको पता है कि इसका इफेक्ट नहीं नज़र आएगा। सो मैंने जब इसको 15 दिन तक यूज़ कर लूँगा, यानी कि 2 हफ्ते के बाद इसका जो पूरा रिव्यू मैं पोस्ट करूँगा, सो उसमें इसका इफेक्ट मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि किस तरह का इसका इफेक्ट लगा। सो उस वीडियो को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो दोस्तों, ये थी इस इंदुलेखा हेयर ऑयल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। और अगर आप इस हेयर ऑयल को परचेज़ करना चाहते हो तो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ के नज़दीक में रहते हो मीन्स मोहाली वाली साइड, तो आपको इस शॉप का भी एड्रेस दिया रहेगा, सो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, वहाँ से आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह ज़रूर मिल जाएगा। सो दोस्तों, अपने जो व्यूज़ हैं वो अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जल्दी मिलेंगे एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।